हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल अर्डिंग वेल अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो और स्टेटमेंट देखते हैं इट्स इज दैट क्वर्ड जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हम जानते हैं कि से जानते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला ये है तो हैजा हेक्जाकनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हैगजाकनल है and it has these lattice parameters uh, a equals 4.913 angstrom and c equals 5.405 angstrom ठीक है and a density density b silicon dioxide quartz structure ki given hai ठीक है तो uh, density हमें गिवन है हमने क्या फाइंड आउट करना है कि सिलिका ग्रुप्स या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं क्वार्ट्ज में ठीक है तो uh, यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करेंगे uh, जो मुझे समझ आया है ठीक है के uh, हम लेटिस में एक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल ऑफ़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोर्ड स्ट्रक्चर में फ़ाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ सिलिका ग्रुप्स हैं या फिर कितने यूनिट्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसमें मौजूद हैं ठीक है तो पहले आप नॉर्मली uh, जो हम देखते आ रहे थे वो ऐसे थे जिनमें एक ही एलिमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर का लेटिस है और एग्ज़ाम्पल और इसी तरह से आयोडीन का लेटिस है तो एक ही उसमें होता था ठीक है तो एक आ, एलिमेंट को हम कह देते थे कि हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने ठीक है, है लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक कवलेंट कंपाउंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक आ, पूरा ग्रुप है ये तो ये हम देखना चाहते हैं कि ये ग्रुप्स जो कि एज़ वन यूनिट आप ले सकते हैं जैसे एक एलिमेंट वन यूनिट हम देखते होते थे कि कितने एलिमेंट या इतने एटम्स मौजूद हैं एक लेटिस में इसी तरह हम देखना चाहते हैं कितने सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद हैं एक लेटिस में ठीक है एक यूनिट सेल में तो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेंसिटी uh, हमें गिवन है तो जो बल्क में डेंसिटी होती है किसी चीज़ की वो यूनिट सेल में उसी की डेंसिटी सेम ही होती है ठीक है डेंसिटी इज समथिंग बाय डेफिनेशन दैट रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मटेरियल ठीक है तो जितना भी आप उसका आ, पार्ट कंसीडर कर रहे हैं आप उसका होल लेटेस समझ रहे हैं या उसका एक यूनिट सेल समझ रहे हैं इसके अंदर तो दोनों में डेंसिटी सेम ही रहती होती है ठीक है तो यहाँ पे हम यूनिट सेल की डेंसिटी भी यही लेके चलेंगे सो वी नो दैट की डेंसिटी इज गिवन बाय रो इक्वल्स टोटल मैथ ऑफ सिलीका ग्रोप्स इन क्वर्स ठीक है टोटल मैथ हमें मैथ और वॉल्यूम पता है फॉर्मूला तो यहाँ पे हम क्योंकि यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सारा यूनिट सेल का मैस होगा एटम्स जो उसमें मौजूद हैं उनका टोटल मैस इन यूनिट सेल और डिवाइडेड बाय द वॉलीम ऑफ द यूनिट सेल इट दिवस द डेंसिटी नाव अब ये जो टोटल मैथ ऑफ सिलिका ग्रुप्स है इन क्वर्ड्स इसको हम लिख सकते हैं एज एन टाइम्स द मैथ ऑफ वन सिलिका ग्रुप ठीक है लेट्स से वो मैथ स्मॉल एम है ओके okay? तो एन इज़ द नंबर ऑफ सिलिका ग्रुप्स इन द यूनिट सेल और एम इज़ द मैथ ऑफ ईच सिलिका ग्रुप ठीक है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर तीन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका मैथ सेम है ठीक है एम 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 तीन है तो आप इस चीज़ को एम प्लस एम प्लस एम की बजाय थ्री एम भी लिख सकते हैं ना थ्री इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि तीन है और एम इज़ द मैथ ऑफ ईच ठीक है अगर सबका मैथ दें है तो सिलिका ग्रुप का भी मैथ यूनिट सेल में सब सिलिका ग्रुप्स का मैथ्स भी तो सेम है तो जितने नंबर ऑफ़ सिलिका ग्रुप्स हैं उस यूनिट सेल में उसे मल्टीप्लाई दे कर दें मैथ ऑफ ईच सिलिका ग्रुप विल गिव अस द टोटल मैथ ऑफ सिलिका ग्रुप्स इन द यूनिट सेल तो ये फिर वही बात होगी तो इसलिए हम इसे एन इंटू एम लिखेंगे वेर एन आप यहाँ पर लिख देंगे वेयर वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ सिलिका ग्रुप्स सिलिका ग्रुप्स इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड के हम देखना चाह रहे हैं वही बात ठीक है इन यूनिट सेल एंड एम इज दिल ग्रुप ठीक हो गया तो इसे इक्वेशन नंबर वन का नाम देते हैं अब V इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल यूनिट सेल की शेप क्या है हेक्सागनल है तो वॉल्यूम ऑफ हेक्जागनल नाउ वॉल्यूम अब इसमें जो चीजें हमें चाहिए डेंसिटी तो हमें पता है एन फाइंड आउट करना चाहते हैं एम मैथ्स भी फाइंड आउट अभी कर लेंगे वी भी फाइंड आउट अभी कर लेंगे तो पहले वी में कर लेती हूँ वॉल्यूम ऑफ हेक्सागनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल हेक्सागनल यूनिट सेल इज गिवन बाय तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है वी इक्वल्स सी थ्री एंडरू थ्री बाय टू ए स्क्वेड ओके okay, इसकी डेरिवेशन बहुत इजी है आराम से की जा सकती है इसके यूनिट सेल को कंसीडर करते हुए ओके okay, तो ये उसकी बेस का एरिया होता है टाइम्स इसकी जो हाइट जो कि होती है सी तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम uh, है उसका फार्मूला होता है ठीक हो गया तो दिस इज़ अ फॉर्मूला सी हमें पता है ए भी हमें पता है वैल्यूज़ पुट करके हम बहुत इजीली वॉल्यूम को निकाल सकते हैं तो ये चीज़ uh, आप पे है कि आप यहाँ पे पुटिंग करके वी पहले निकाल लें और यहाँ पे पुट कर लें बाद में या फिर आप इसी को uh, साक्षात इसमें पुट कर दें ठीक है तो यह आपकी मर्जी है तो दोनों चीज़ें की जा सकती हैं तो हम क्या करें हम ये करते हैं कि हम uh, इसको इधर ही पुट कर देंगे ठीक है तो ये इसे इक्वेजन टू का फिलहाल नाम दे देते नाओ मैस ऑफ इच सलीका ग्रुप इज गिवन बाय तो आ, इसका पहले मैं आपको फॉर्मूला में कहाँ से लेके आऊँगी ये समझाती हूँ तो आपको पता है कि जो आ, आ, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं या नंबर ऑफ़ एटम्स जिसे आप कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स अव गैड्रो नंबर्स ठीक है और अगर आप एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मैस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एन की जगह आप वन पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एक सिलिका ग्रुप का मैस निकालना चाहते हैं ना तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ सिलिका ग्रुप की जगह आप वन लिखेंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स एन है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ठीक है ये वो नंबर ऑफ एटम्स सिलिका ग्रुप्स वाला नहीं है ठीक है तो और मोल्स क्या होते हैं मैथ अवर मोलर मैथ ठीक है तो हमें मैथ चाहिए ना तो ये मोलर मैथ और एन ए उधर ले जाते हैं तो एम ऊपर चला जाएगा ये डिवीजन में है तो एन ए यहाँ पर रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा दैट विल गिव यू द मैथ ऑफ ईच मोलिक्यूल या मैथ ऑफ ईच एटम या इस तरह से मोलर मैथ डिवाइडेड बाई एन ए विल गिव यू दैट वन थिंग तो हम क्या चाहते हैं मैथ ऑफ सिलिका ग्रुप निकालना चाहते हैं ना तो यहाँ पर हम फार्मूला ये लिखेंगे मैथ इक्वल्स मोलर मैथ टोटल मोलर मैथ डिवाइडेड बाई ए नंबर ठीक हो गया तो टोटल मोलर मैस आपको कैसे पता चलेगा वो पता चलेगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो सिलिकॉन का ऑटोमिक मैस या ऑटोमिक मोलर मौल, मैस उसका होता है ट्वेंटी एट ठीक है प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे दो आइटम्स है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड है टू ऑक्सीजन आइटम है तो टू टाइम्स आप लिखेंगे मास ऑफ ऑटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम इज़ 16 तो ये ऐसे और डिवाइडेड बाय अव नंबर विच इज़ सिक्स पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाक टेनिस पार ट्वेंटी थ्री नाओ यहाँ पर आपको मैथ चाहिए के जी में ये जो होता है ना मोलर मैथ ये होता है यहाँ पर ग्राम्स में ठीक है तो ये केमिस्ट्री टाइप का फॉर्मूला uh, है जिसमें मोलर मैथ्स ये सारे जो है ना ये वाली जो सिक्सटीन और ट्वेंटी एट वगैरह ये ग्राम पर मोल्स में होती है तो ग्राम्स में आ रहा है आपको के में चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा यूनिट्स में आप सब कुछ पुटिंग करेंगे तो ये क्योंकि ग्राम्स में ऐसे के जी करना है तो के होता है टेनिस पार थ्री तो टेनिस पार थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और टेनस पार माइनस थ्री भी मल्टीप्लाई करते हैं तो टेनिस पार जो थ्री है दैट विल बिकम के जी और ये यूनिट में चला गया और टेनस पार माइनस थ्री समथिंग दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड ओके जो इसके पार्ट में ही कैलकुलेशन में रहेगा सच डैट आपका जो आंसर आएगा वो के में आ जाएगा ठीक है तो क्योंकि ये दोनों मैसेज हैं ना तो इसलिए मैंने इनके बाहर ही ये कर दिया प्रोसेस कि इसके साथ भी टेनिस फॉम माइनस थ्री होगा इसके साथ भी तो एक दफ़ा बाहर ही लिख दिया कॉमन ले के आई होप आपको ये स्टेप मेरा समझ आया है या फिर आप इसे एंड पे मैच जो है ग्राउंड में आएगा तो उससे बाद में के जी में भी कर सकते हैं या यहीं पर भी कर सकते हैं टेनिस फॉम माइनस थ्री से उसे मल्टीप्लाई करके समटाइम्स क्या किया जाता है कि जो अब गैडोज नंबर है वही टेन एस पार ट्वेंटी सिक्स ले लिया जाता है कि अगर आप ये माइनस थ्री को पावर को नीचे ले जाएं टेन एस पार प्लस थ्री बनेगी ना वो जो ऐड होगी ये ट्वेंटी सिक्स बन जाती है तो ये भी किया जाता है स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ आ जाते हैं क्यों क्यों यहाँ पर गैडोज नंबर को ऐसे लिया जाता है तो इसलिए उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैंने आपको ये बेसिकली बता दिया कि मोलर मैथ की यूनिट्स की वजह से होता है क्योंकि वो लिया ऐसे यूनिट्स में जाता है तो आप इसको कैलकुलेट करते हैं ओके तो एक मैं काम करती हूँ आपके लिए कि ये इसको यहाँ पे नहीं बल्कि एंड पे में कर देती हूँ आंसर जो आएगा अभी ग्राम्स में आएगा उसके बाद में मैं के में कन्वर्ट कर देती हूँ सो so, ये आप देख सकते हैं नाइन पॉइंट नाइन सिक्स माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम्स आया है ऑलराइट राइट right, तो ये मैथ आया है नाइन पॉइंट नाइन सिक्स सिक्स सेवन पर माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम्स आया है इसे केजी में करना होगा आपको तो केजी के है इसमें टेनस पार थ्री ठीक है तो टेन एस पार थ्री चाहिए वह तो उसके लिए टेन एस पार थ्री को आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें ठीक है ये जो मल्टीप्लाई किया है उसको के जी में डाल देंगे ये उसमें चला गया ठीक है तो इसकी जगह के जी आ जाएगा और जो डिवाइड किया है वो प्रोसेस हो जाएगा उसके साथ और ये ऊपर जाकर नेगेटिव पावर बनेगा और ये माइनस ट्वेंटी सिक्स के जी ये मैथ आ चुका है हमारे पास ठीक है तो अब ये चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं अब सारी की सारी चीज़ें जो है वन में पुट करते हैं नाउ फ्रॉम वन हमारे पास था रो इक्वल्स एन एम बाय वी एन चाहिए ना तो एन को एक तरफ करते हैं बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाते हैं तो या फिर तरह से भी लिख सकते हैं अब करते हैं पुटिंग तो एन इक्वल्स रो रो क्या है आ, गिवन है ये 2.65 पॉइंट सिक्स फाइव ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब तो इसको भी अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इनटू यूनिट्स uh, जो हम यूज़ करना चाहते हैं तो रो जो है ये डाटा में स्टार्ट में ही आप इसे पहले कन्वर्ट कर लेना या फिर यहाँ पे रफ़ वर्क में भी आप कन्वर्जन दिखा सकते हैं ठीक है तो रो इक्वल्स टू पॉइंट सिक्स फाइव के जी चाहिए के जी के लिए अगेन वही प्रोसेस करेंगे कि टेन स्पार माइनस थ्री और टेन स्पार थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो जो प्लस थ्री वाला है उसे के जी में डाल देते हैं और ये माइनस थ्री वाला ऊपर रह जाएगा अब के जी पर सेंटीमीटर क्यूब है सेंटी को भी ख़त्म करना है अब जो जिसके साथ ये प्रीफिक्स होता है ना उस यूनिट की जो पावर होती है वो प्रीफिक्स की भी पावर बन जाती है लेकिन उसे यहाँ पे लिखते हुए लिखा नहीं जाता ये अंडरस्टूड कुछ रूल्स होते हैं तो यहाँ पे टेन इस बार माइनस टू सेंटी होता है ना उसका आप लेंगे क्यूब क्योंकि मीटर क्यूब है उसके साथ ठीक है तो टेन एस पावर माइनस टू का जब आप क्यूब लेंगे तो थ्री टू से सिक्स हो जाएगा तो माइनस सिक्स टेन टू द पावर माइनस सिक्स नीचे आ जाएगा के जी पर टेन इस पावर माइनस सिक्स मीटर क्यूब ये माइनस सिक्स है ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी प्लस सिक्स ओके इसके साथ मैंने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी तो ये के जी पर मीटर क्यूब बच गया तो यहाँ पर ये टू पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीप्लाई टेन थ्री के जी पर मीटर क्यूब इसकी आ चुकी है डेंसिटी ठीक है तो ये मैं यहाँ पे पुट करूँगी टू पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीपैटर्न एस पार थ्री ठीक है वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे सी अंडर रूट थ्री ए स्क्वेर और उसके बाय में जो टू है यहाँ पे लिख देते हैं मैथ्स जो है वो नाइन पॉइंट नाइन सिक्स सेवन मल्टीपैटन एसपा माइनस ट्वेंटी सिक्स है तो इससे में और दोबारा ये पुटिंग करते हैं सी और ए की भी और सी और ए एंगस्टम में है तो उसकी जगह आप टेन इस पार माइनस टेन लिखेंगे और सी है फाइव पॉइंट जीरो फाइव फाइव पॉइंट फोर क्योंकि वो ऑन्स्टर्म में है ठीक है ऑन्स्टर्म की जगह टेन पर माइनस टेन भी आपने डालना है क्योंकि आप ऐसा यूनिट में सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं थ्री अंडर रूट थ्री एज इट इज ए स्क्वेयर ए है यहाँ पे फोर पॉइंट नाइन वन थ्री मल्टीपल टेन पर माइनस टेन का स्क्वेयर ठीक है और डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लायर नाइन पॉइंट नाइन सिक्स सेवन मल्टीपा टेन पर माइनस ट्वेंटी सिक्स ठीक uh, हो गया तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है hmm. तो ये हम आंसर देख सकते हैं ठीक है नाइन पॉइंट ज़ीरो वन जिसे आप नाइन लेंगे ओके okay? और नाइन uh, आपका आंसर आ चुका है सो देर आर नाइन सिलिका ग्रुप इन देर आर नाइन सिलिका ग्रुप्स इन वर्ड्स ठीक हो गया तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और तो दिस इज़ द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी ओके तो ये आई होप आपको समझ आया होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय